हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस किया था। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है कि हमें फाइंड आउट करना है जेड ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म एंड देयर आर ओ सी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। डी टी यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम के लिए है, और जो सिग्नल है, इनपुट वैल्यूज है, वो है हमारी एक्स एन इज इक्वल टू 3, 4, 2, 7। यानी कि हमें यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, दूसरा आर ओ सी फाइंड करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हमें उसका बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला हमारा हम ऑलरेडी जानते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड माइनस एन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी चीज़, हमें आर ओ सी फाइंड करना था, तो जब हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे तो आर ओ सी ईजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है, ये जो लिमिट्स हैं इन्हें हम क्या रखें, वो हम क्या रखेंगे। यहाँ पे कहीं पर भी एरो नहीं है, इसका मतलब ऑरिजिन जो है वो 3 पर ही होगा। तो ये n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है 4, n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू है 7। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह n इज इक्वल टू 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। सो वी कैन से दैट xn जो है डिफाइंड बिटवीन 0 to 3, n की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक डिफाइंड है xn के लिए। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि xn जो है वो इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज लेस देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 3। यानी कि xn की वैल्यू 0 है फॉर n लेस देन 3 एंड n ग्रेटर देन 3। तो आपको यहाँ पर लिमिट ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी है, लिमिट है हमारी 0 से लेकर के 3 तक। बस ये लिमिट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बाकी इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये जो 0 से 3 तक की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स जेड आ जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक एक्स एन जेड माइनस एन। बस अब इस फॉर्मूले को का यूज़ करके जेड ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसे रहने देते हैं, क्योंकि हमने लिमिट ऑलरेडी फाइंड कर ली है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फॉर्मूला हमें पता ही है। अब यहाँ पे ये जो xn आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू को हम 0 रख रहे हैं तब एक्स 0 हमारे पास है 3। इसी तरह जब n की वैल्यू को हम 1 रख रहे हैं तब x 1 है हमारे पास 4। अगर हम n को 2 पुट कर रहे हैं तो x ऑफ 2 है 2। जब n को हम 3 पुट कर रहे हैं तो x ऑफ 3 है 7। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये आ जाएगा x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन 3 एक्स एन जेड माइनस एन। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x ऑफ 0 z माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 z माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 z माइनस 2 प्लस अप टू x ऑफ 3 z माइनस 3। क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर के 3 तक वैल्यूज हैं वो हमने सब पुट कर दी, इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे x ऑफ 0 क्या है 3, तो बस उसे रख देंगे 3। z की पावर माइनस 0 1 होता है तो इंटू 1 प्लस x ऑफ 1 है हमारे पास 4 इंटू z इनवर्स प्लस x ऑफ 2 है हमारे पास
टू, तो ये आ गया टू इंटू जेड माइनस टू प्लस एक्स ऑफ थ्री हमारे पास है सेवन, तो ये आ गया सेवन जेड माइनस थ्री। अब यहां पर हम इसे कह सकते हैं ये आ गया थ्री प्लस फोर जेड इनवर्स प्लस टू जेड माइनस टू प्लस सेवन जेड माइनस थ्री। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, थ्री प्लस फोर बाय जेड प्लस टू बाय जेड स्क्वायर प्लस सेवन बाय जेड क्यूब। और ये सभी क्या आ गया एक्स ऑफ जेड, सो वी कैन से दैट एक्स ऑफ जेड आ गया हमारा थ्री प्लस फोर बाय जेड प्लस टू बाय जेड स्क्वायर प्लस सेवन बाय जेड क्यूब। ये आ गया हमारा जेड ट्रांसफॉर्म, बट हमें इसमें आर ओ सी भी फाइंड करना है, तो आर ओ सी हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये पूरा पार्ट ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर इसमें हमारे पास क्वेश्चन था डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म एंड देयर आर ओ सी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, और सिग्नल था एक्स एन इज इक्वल टू 3, 4, 2, 7। क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी एरो नहीं था तो यानी कि ओरिजिन हमारा 3 ही होगा। तो n इज इक्वल टू 3, 0 पर वैल्यू 3 है, n इज इक्वल टू 1 पे 4 है, n इज इक्वल टू 2 पे 2 है, n इज इक्वल टू 3 पे 7 है। हम फॉर्मूला जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का, एक्स जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देन एक्स एन जेड माइनस एन। तो अब हमने वहाँ पर लिमिट फाइंड कर ली, उसको हमने पुट कर दिया 0 to 3, फिर उसके बाद ये सब ओपन कर लिया, उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये आ गया। अब ये बाकी पार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर देते हैं, बस अब इसमें आर ओ सी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक्स जेड आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 बाय जेड प्लस 2 बाय जेड स्क्वायर प्लस 7 बाय जेड क्यूब। और अब हम x ऑफ z कह सकते हैं कि आर ओ सी फाइंड करने के लिए कि x ऑफ z जो है वो फाइनाइट होगा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम z इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये पूरी इक्वेशन, पूरी जो z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आई है ये हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि आर ओ सी जो है वो फाइनाइट वैल्यू होती है, सो आर ओ सी के बारे में हम कह सकते हैं कि फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे आर ओ सी लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर ओ सी हमारी क्या होगी, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, ये हमारी आर ओ सी आई। अब इसे हम z प्लेन में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि z प्लेन में हम कैसे इसको देखेंगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं। हमें पता है कि अगर हमें आर ओ सी को ड्रॉ करना है तो ये रियल एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पर इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारा जेड प्लेन है। तो वी कैन से दैट आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0, ये पूरा हमारा आर ओ सी हो गया। सो हमने जेड ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन भी फाइंड कर ली और आर ओ सी भी हमने इसमें फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन दी z ट्रांसफॉर्म एंड देयर आर ओ सी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड द सिग्नल इज एक्स एन इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 and 10। दिस इज द सिग्नल और यहाँ पे हमारे पास एरो लगा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमाइन दी z ट्रांसफॉर्म एंड देयर आर ओ सी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। सिग्नल है हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और एरो है हमारे पास 6 पर, यानी कि एरो जो है वो ओरिजिन पर है,
एरो से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव में है, एरो से राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव में है. तो वी कैन से दैट n इज इक्वल टू जीरो पर हमारे पास 6 है, n इज इक्वल टू 1 पे 8 है, n इज इक्वल टू 2 पे 10 है. इसी तरह n इज इक्वल टू माइनस 1 पे वैल्यू 4 है, n इज इक्वल टू माइनस 2 पे वैल्यू 2 है. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट xn इज इक्वल टू 0 when n is less than minus 2 and n is greater than 2. यानी कि xn की वैल्यू 0 है कब, जब n less than minus 2 है, क्योंकि less than minus 2 पर कोई वैल्यू नहीं है. एंड when n is greater than 2, क्योंकि n is greater than 2 पर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पर xn की वैल्यू 0 है. सो वी कैन से दैट xn डिफाइंड when माइनस टू से लेकर के वैल्यू हमारे पास 2 तक है, यानी कि जो इसकी लिमिट आएगी xn की वो आएगी माइनस टू से 2, क्योंकि माइनस टू से 2 तक ही हमारे पास वैल्यू है, अदरवाइज xn इज 0. बस हमारा काम हो गया, हमें z ट्रांसफॉर्म के लिए जो लिमिट दी होती है समेशन में, वो फॉर्मूला वो लिमिट आ गई है, बस अब पुट कर देंगे. इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जब n की वैल्यू माइनस टू है तो x ऑफ माइनस टू आ रहा है 2, ये. इसी तरह n की वैल्यू जब माइनस वन है तो x ऑफ माइनस वन आ रहा है 4. व्हेन n इज 0 तो x ऑफ 0 इज 6. एंड व्हेन n इज 1 देन x ऑफ 1 इज 8. एंड व्हेन n इज 2 तब x ऑफ 2 इज 10. इसे एक बार और समझ लीजिए, जब n की वैल्यू माइनस टू है तो x ऑफ माइनस टू आ गया 2, और जब n की वैल्यू माइनस वन है तब x ऑफ माइनस वन आ रहा है 4. व्हेन n इज 0 x ऑफ 0 इज 6, क्योंकि ओरिजिन पर एरो है और एरो हमारा 6 पर है. व्हेन n इज 1 x ऑफ 1 इज 8. व्हेन n इज 2 x ऑफ 2 इज 10. ठीक है. अब हम z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते ही हैं, वो होता है x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z माइनस n. इसमें अब हम बस लिमिट पुट कर देंगे, तो वो आ गई हमारी x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस टू 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 x ऑफ n z माइनस n. बस अब इसको ओपन कर देंगे बाय यूजिंग गिवन टर्म्स. तो उसमें हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें फाइंड करना था वो करना था डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म एंड देयर आरओसी ऑफ द फॉलोइंग डीटी, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. तो जेड ट्रांसफॉर्म हम इससे फाइंड कर लेंगे इक्वेशन से, बाकी ये ऊपर का पार्ट रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है. और ये आपको आ भी गया होगा हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसे, तो इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ. एक्स ऑफ जेड हो गया समेशन n इज इक्वल टू माइनस टू 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 x ऑफ n z माइनस n. इसे रफ कर देते हैं, अब इसे हम ओपन कर लेंगे. तो ये आ जाएगा x ऑफ z इज इक्वल टू माइनस टू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट हम रखेंगे x ऑफ माइनस टू n की जगह, देन z माइनस टू, प्लस नेक्स्ट आएगा हमारा n इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि x माइनस वन z माइनस वन, प्लस x जीरो z माइनस जीरो, प्लस x वन z माइनस वन, प्लस x टू z माइनस टू. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे. x ऑफ माइनस टू कितना है 2, तो वो रख दिया. z माइनस टू प्लस x ऑफ माइनस वन है 4, z माइनस वन प्लस x ऑफ 0 है 6, z माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 है 8, z माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 है 10, z माइनस 2. ठीक है. अब हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन z प्लस 6, क्योंकि z की पावर माइनस 0 1 है, तो डॉट 1 प्लस 8 बाय z
प्लस टेन बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक्स ऑफ जेड को इसे हमने ओपन कर दिया, माइनस टू से स्टार्ट किया अप टू प्लस टू, जैसा कि लिमिट में दिया है, बस इनकी वैल्यूज जो गिवन थी वो हमने पुट कर दी। उसके बाद जो इन्वर्स था नीचे जाके अपॉन में आ गया, तो हमारे पास यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन आई वो आई टू बाय जेड स्क्वायर प्लस फोर बाय जेड प्लस सिक्स प्लस एट बाय जेड प्लस टेन बाय जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्स ऑफ जेड, ये सभी एक्स ऑफ जेड है। तो फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना था जेड ट्रांसफॉर्म वो हमारे पास आ गया, दैट इज टू बाय जेड स्क्वायर प्लस फोर बाय जेड प्लस सिक्स प्लस एट बाय जेड प्लस टेन बाय जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसमें आर ओ सी को फाइंड करेंगे, उससे पहले हम इसे ऊपर लिख लेते हैं और इसे रफ कर देते हैं। आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन कितना इजी है और फाइव मार्क्स में बस यही पूछा जाता है। आर ओ सी या तो थ्योरेटिकल आएगा या फिर इसी तरीके से क्वेश्चन में अटैच्ड कर देंगे। तो इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ये आ गया एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू टू बाय जेड स्क्वायर प्लस फोर बाय जेड प्लस सिक्स प्लस एट बाय जेड प्लस टेन बाय जेड स्क्वायर। सो वी कैन से दैट एक्स जेड हमारा व्हेन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तब नेगेटिव पावर जो होंगी, नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव पावर ऑफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब जब हम अब हम आर ओ सी की बात कर रहे हैं, अगर हम आर ओ सी फाइंड करेंगे तो अगर हम व्हेन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो तब नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगी। नेगेटिव पावर के टर्म में अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे मैं नेगेटिव पावर के टर्म में लिख देती हूँ, ये आ जाएगा आपका एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसे रफ कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया टू जेड माइनस टू प्लस फोर जेड माइनस वन प्लस सिक्स प्लस एट जेड माइनस वन प्लस टेन जेड माइनस टू। ठीक है, अच्छा एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट समझने लायक है, वो ये क्या हम ये सारा क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या ये सही है? इसमें आपको यहाँ ये भी देखना है कि जब हम वैल्यूज को पुट कर रहे थे तो जहाँ माइनस था वहाँ माइनस माइनस बिकम प्लस, तो इस इक्वेशन में वो तो आया ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर ये जो मैंने बताया ये पॉजिटिव पावर्स का ही आ रहा है, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट मीन्स क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और ये वाली वैल्यूज आपकी नेगेटिव आ जाएंगी, तभी हम ये वाली जो बात है इसको कंफर्म कर पाएंगे आर ओ सी के लिए। तो ये जो इक्वेशन है इसको एक बार और टैली कर लेते हैं, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ पे एरो स्टार्टिंग में था तब इक्वेशन ऐसे आ रही थी, बट यहाँ एरो यहाँ पर है तो इक्वेशन में थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। तो वो इक्वेशन आएगी आपकी x ऑफ z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस टू 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 x ऑफ n z माइनस n। अब x ऑफ z हमारे पास स्टार्टिंग में हम n की वैल्यू माइनस टू रख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x ऑफ माइनस टू z माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस टू, तो ये माइनस टू, ओके ये आपको करेक्ट करना है। देन प्लस एक्स ऑफ माइनस वन, जेड माइनस है पहले से, देन माइनस वन प्लस उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे
ज़ीरो एक्स ऑफ ज़ीरो जेड माइनस ज़ीरो प्लस, अब ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा क्योंकि मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया था, अब नेगेटिव में आ जाएगा, तो एक्स ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन प्लस एक्स ऑफ टू जेड की पावर माइनस टू। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे तो ये आ जाएगी हमारी एक्स ऑफ माइनस टू हमारे पास है टू, तो ये हो गया टू जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस, देन प्लस एक्स ऑफ माइनस वन कितना है फोर, तो फोर जेड प्लस एक्स ऑफ जीरो कितना है सिक्स प्लस एट जेड इनवर्स प्लस टेन जेड माइनस टू। ठीक है, माइनस टू में आ गया टू, एन माइनस वन में फोर, जीरो में सिक्स, वन में एट, टू में टेन, और यहाँ जो पावर्स है ये माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ये जीरो था तो ये वन रह गया क्योंकि z की पावर माइनस जीरो इज वन, देन ये z की पावर माइनस वन, देन ये z की पावर माइनस टू, ये आपको याद रखना है। इससे थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस करा था उसमें ओरिजिन यहाँ पर था, तब तो इक्वेशन वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसे आप करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट इक्वेशन हमें यही लिखनी है। ठीक है, तो ये आ गया टू की टू जेड स्क्वायर एंड दिस। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स ऑफ जेड जो है, और चाहे तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते, अब इसको तो समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टू जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस सिक्स प्लस एट जेड माइनस वन प्लस टेन जेड माइनस टू, यानी कि वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू टू जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस सिक्स प्लस एट बाय जेड प्लस टेन बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स जेड जो है व्हेन जेड इज इक्वल टू जीरो, नेगेटिव पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें ये कहा है कि अगर हम जेड की जगह ज़ीरो रखते हैं, तो जब हम जेड की जगह ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ तो ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ कुछ भी नहीं है, जेड है ही नहीं, यहाँ पे एट डिवाइडेड बाय ज़ीरो मीन्स इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि वैन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तब जो ये नेगेटिव पावर थी, यानी कि ये नेगेटिव पावर थी, वो हमारी नेगेटिव पावर ऑफ जेड बिकम इन्फिनिटी, वैन जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर ऑफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब हम जेड को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जेड जो है पॉजिटिव पावर वाले ये इन्फिनिटी हो जाएंगे, वैन जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर ऑफ जेड बिकम इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो आर ओ सी आएगी इक्वेशन जेड, इसमें जो हमें फाइंड आउट करना था वो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एंड देयर आर ओ सी फाइंड करनी थी, तो जेड ट्रांसफॉर्म तो ये हो गया। ठीक है, अब हम आर ओ सी देख लेते हैं कि आर ओ सी हमारी क्या आएगी। तो आर ओ सी के लिए आपको बस यही याद रखना है कि आप इसमें दो वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक वैन इज इक्वल, वैन जेड इज इक्वल टू जीरो तब नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन्फिनिटी, एंड वैन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आर ओ सी बता देते हैं, आर ओ सी है हमारा एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि आर ओ सी जो है वो एंटायर जेड प्लेन होगी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अगर हम इसका आर ओ सी प्लेन हमें ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। उसमें हम ये हमें पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर रियल एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन पर इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये हमारा जेड प्लेन है, तो वी कैन से दैट आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन
एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आर ओ सी हमारी फाइंड हो गई है। इसमें हमें यही फाइंड करना था, एक तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, वो आ गया एक्स जेड इज इक्वल टू टू जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस सिक्स प्लस एट बाई जेड प्लस टेन बाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव पावर्स ये थी और ये पॉजिटिव पावर्स थी, लेकिन हमने फॉर्मूले में जब नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि z की पावर माइनस n होता है, तो वो माइनस और ये नेगेटिव पावर का माइनस बिकम प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और जो फॉर्मूले में इस साइड x n z की पावर माइनस n था, वो नेगेटिव पावर और इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पर xz आ गया हमारा ये, और ये आ गई हमारी आर ओ सी, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करें आज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हम इसी तरह से आगे थोड़ा सा और सिलेबस है जेड ट्रांसफॉर्म का, वो इसको डिस्कस करेंगे और उस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।